bismillah rahim starting with the name of allah who is the most beneficent and the most merciful students welcome to the quick learn academy by arusa iram student myself arusa iram and uh, i have done mphil in physics from university of the punjab and uh, i am here to teach you the physics class 9 now let's have a look on chapter number 1 which is physical quantities and measurement student uh, physical quantities kya hoti hain pehle ye dekhte hain ki जितनी भी quantities जिनको हम measure कर सकते हैं वो कहलाती हैं physical quantities. And measurement means के हम किन steps को utilize करते हैं इन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मैयर करने के लिए तो इसके लिए हम फिज़िक्स में डिफ़रेंट मैरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को यूटिलाइज़ करते हैं लाइक मीटर रूल मैरिंग टेप स्क्रू गॉज वर्नियर कैलिपर स्टॉप वॉच और भी बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ की मैयरमेंट करते हुए स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स ब्रांचेस ऑफ़ फ़िजिक्स फिज़िकल क्वांटिटीज, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स प्रीफिक्सेस साइंटिफिक नोटेशन, मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स को स्टूडेंट्स सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि साइंस क्या है हम सब ये जानते हैं कि फिज़िक्स एक साइंस की ब्रांच है तो पहले ये जानते हैं कि ये साइंस है क्या जितना भी हमें नॉलेज ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट से मिलता है वो हम उसे कह देते हैं ये साइंस है अगर अब ज़रूरी नहीं कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन हैं वो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हमें उससे मिले तो ऐसे और ऐसी ऑब्जर्वेशन जिनसे हमें हमारे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाते हैं तो विद द हेल्प ऑफ दी सक्सेसफुल इंस्ट्रूमेंट हम एक न्यू इन्वेंशन करते हैं एक नई चीज़ जो है इंट्रोड्यूस कराते हैं और इसको फॉर द सेक फॉर द फैसिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग हम यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट uh, uh, जो नेक्स्ट चीज़ है वो है व्हाट इज़ नेचुरल फिलॉसफी नेचुरल फिलॉसफी क्या है एटीन स्टडी एटीन सेंचुरी से पहले पहले जितने भी हमारे पास मटेरियल uh, साइंसेस थी उन सब को एक ही सब्जेक्ट के अंडर स्टडी किया जाता था उसको नेचुरल फिलॉसफी का नेम दिया गया तो uh, इसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमन बीइंग्स ने इस नेचुरल फिलॉसफी को टू मेन स्ट्रीम्स में डिवाइड किया एक को नेम दिया बायोलॉजिकल साइंसेस और दूसरे को नेम दिया फ़िज़िकल साइंसेस बायोलॉजिकल साइंसेस में लिविंग थिंग्स की स्टडी की जाती है और फिज़िकल साइंसेस में नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी की जाती है तो बाद में फ़िज़िकल साइंसेस को भी फाइव मेन स्ट्रीम्स में डिवाइड किया गया लाइक केमिस्ट्री एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी मेट्रोलॉजी एंड फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं एस्ट्रोनॉमी में हम डिफरेंट एस्ट्रोनोमिकल और ऑब्जेक्ट्स लाइक गलेक्सी स्टार्स वग़ैरह की स्टडी करते हैं जियोलॉजी में हम अर्थ की स्टडी करते हैं अर्थ के इंटरनल एक्सटर्नल जितनी भी मेजरमेंट्स हैं वो की जाती हैं मेट्रोलॉजी में मैटर मेट्रोलॉजी में वेदर फोरकास्टिंग की स्टडी की जाती है वेदर प्रडिक्शंस की जाती हैं और अब जो हमारा मेन टॉपिक है कि ये फिज़िक्स है क्या बेसिकली फ़िज़िक्स जो है वो हमारे पास टू थिंग्स का फ्यूजन है डैट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन या रिलेशनशिप भी कह सकते हैं कि मैटर और एनर्जी का आपस में इंटरेक्शन कराना है और उसकी स्टडी करना स्टूडेंट्स उसके बाद देखते हैं फिज़िक्स की ब्रांचेस फ़िज़िक्स की बेशुमार ब्रांचेस हैं लाइक मकैनिक्स हीट

हम नेचर ऑफ़ हीट देखते हैं मॉड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट और हीट के क्या इफ़ेक्ट्स हैं वो स्टडी किए जाते हैं कि हीट ने किन प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफ़र होना है आइदर दे आर ट्रांसफरिंग थ्रू कन्वेक्शन कंडक्शन और रेडिएशन साउंड में फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स देखे जाते हैं उसकी प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन लाइट में फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट किस तरह से लाइट वर्किंग करती है और किस तरह से ऑप्टिकल uh, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकसिटी एंड मैग्नेटिज्म इसमें चार्जेस जो हैं उनकी स्टडी की जाती है आइदर द चार्जेस आर एट रेस्ट और इन स्टेट ऑफ मोशन उनका इंटरेक्शन देखा जाता है और ये देखा जाता है कि वो चार्जिस का रिलेशनशिप मैग्नेटिज़म के साथ क्या है एटॉमिक फिज़िक्स में एटम्स की स्टडी की जाती है एटम्स के स्ट्रक्चर्स को देखा जाता है न्यूक्लियर फिज़िक्स में प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर ऑफ़ न्यूक्लाए और जो पार्टिकल्स विद इन न्यूक्लाय लाइक कर रहे होते हैं उसकी स्टडी की जाती है प्लाज्मा फिजिक्स में मैटर की फोर्थ स्टेट की स्टडी की जाती है जिसे हम आयनिक स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं और जियोफिजिक्स इसमें अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है स्टूडेंट्स इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ डेली लाइफ में हम फिज़िक्स को कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं स्टूडेंट्स अगर हम फिज़िक्स को अपनी लाइफ से माइनस कर दें तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे और हम जो बहुत सी फैसिलिटीज़ अवेल करते हैं उन सब से हम महरूम हो जाएंगे तो फ़िज़िक्स के बेसिक लाज को यूज़ करते हुए बहुत सी इन्वेंशनस की गई हैं जिन्होंने हमारी लाइफ्स को ईजियर और कंफर्टेबल बना दिया है लाइक एयर कंडीशनर्स रेफ्रिजरेटर्स वैक्यूम क्लीनर्स वॉशिंग मशीन्स माइक्रोवेव ओवन्स, एक्सरसाइजिंग मशीनस इलेक्ट्रिक मोटर्स फैंस एंड एनर्जी सेवर और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फिज़िक्स का यूज़ है इन डेली लाइफ डैट इज़ द टेली फ़िज़िक्स ही की वजह से हम पूरी दुनिया में किसी के साथ भी इन कांटेक्ट रह सकते हैं अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं रेडियो ट्रांसमिशन भी फ़िज़िक्स ही की वजह से पॉसिबल है स्टूडेंट्स आप ये देखते हैं कि ये फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या है मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज हर वो क्वांटिटी जिसको हम मैयर कर सकते हैं वो फ़िज़िकल क्वांटिटी कहलाती है अब स्टूडेंट अब क्वेश्चन ये आरइज होता है कि हम हर चीज़ कोई मैयर कर सकते हैं हर कोई ये सोचता है तो क्या ऐसी भी क्वांटिटीज हैं जिनको हम नहीं मैर कर सकते बिल्कुल ऐसा है हम बहुत सी क्वांटिटीज को नहीं मैयर कर सकते लाइक ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन ओशंस रिवर्स वाटर और हम नंबर ऑफ़ लीव्स ऑन ट्रीज़ नंबर ऑफ़ स्टार्स इन सब को काउंट नहीं कर सकते तो जो क्वांटिटीज़ जिनको हम मैयर कर सकते हैं जस्ट वही फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाएँगी और हमारे पास दो काइंड हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ की एक हैं बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी हैं ड्राइव बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास वो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं जो कि यूज़ की जाती हैं जो किसी से मिल के नहीं बनी हुई बल्कि जिनको मिलाया जाए तो हमारे पास आगे मज़ीद ड्राइव क्वांटिटीज़ बनती हैं तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसकी डेफ़िनेशन बेस क्वांटिटीज क्या हैं दीज क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेसड लाइक लेंथ मैस टाइम इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसके बाद हैं ड्राइव क्वांटिटीज ड्राइव क्वांटिटीज नेम से पता चल रहा है कि ये हमें ड्राइव करके मिलनी हैं तो ये कहाँ से ड्राइव होती हैं ये दो या दो से ज़्यादा हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ का जब आपस में फ्यूजन होता है तो वो हमारे पास न्यू क्वांटिटी बनती है डेट इज़ द ड्राइव क्वांटिटी और इसकी एग्जांपल है एरिया वॉल्यूम स्पीड वर्क एनर्जी पावर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टूडेंट्स इसके बाद ये देखें देखते हैं कि ये ऐसा ही क्या है जिसे हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं स्टूडेंट इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई ऐसा था कि नाइनटीन सिक्सटी से पहले जितनी भी इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट की जाती थी उनमें बहुत सी कंफ्यूजन हो जाती थी कि कंट्री इंपोर्ट कर रहा है किसी स्पेसिफ़िक क्वांटिटी को तो उसको किसी एक स्पेसिफ़िक यूनिट में कर रहा है और जो दूसरा कंट्री है वो जब उसको इंपोर्ट करेगा उस तो वो उसको किसी और यूनिट के अंदर में ये करता था तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए नाइनटीन सिक्सटीज़ में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम बनाया गया मेजरमेंट का कि जितनी भी मेजरमेंट्स होंगी उनका एक स्पेसिफिक यूनिट होगा डैट विल बी इंटरनेशनली एक्ोरेट एंड इट इट वॉज़ कार्ड एस आई तो अकॉर्डिंग टू एस आई यूनिट्स ऑफ मेयरमेंट हमारे पास दो होते हैं एक हैं बेस यूनिट और दूसरे हैं ड्राइव तो बेस यूनिट कौन से होते हैं ऐसे यूनिट जो बेस क्वान्टटिटीज़ को डिनोट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो बेस यूनिट कहलाते हैं और ऐसे यूनिट जो ड्राइव क्वान्टीज़ की मेयरमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं वो ड्राइव यूनिट कहलाते हैं लाइक like लेंथ का मीटर है मैस का किलोग्राम है टाइम का सेकेंड है अब लेंथ को मेजर करना हो तो हमारे पास मीटर भी यूनिट है सेंटीमीटर भी है मिलीमीटर uh, भी है लेकिन जो एक स्टैंडराइज एक ऑथेंटिक यूनिट है जिसे वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है डेट इज़ द मीटर और ड्राइव यूनिट्स में क्या होता है ड्राइव यूनिट में हम इन्हीं बेस यूनिट uh, ही के मल्टीपल्स को लेते हैं लाइक like हमारा वॉल्यूम इसका ऐसा यूनिट मीटर क्यूब है तो ये कैसे आया है हमें पता है कि जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है डेट इज़ द एल क्यूब यानी लेंथ को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई कराएं तो इसी तरह अगर हम इसके यूनिट को थ्री टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे एम क्रॉस एम क्रॉस एम तो इट विल बिकम एम क्यूब स्टूडेंट इसके बाद आपको एक टेबल स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है जिसमें वेरियस बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज के यूनिट बताए गए हैं लेंथ को एल के साथ डिनोट किया जाता है और इसका ऐसा यूनिट है मीटर मैस को एम के साथ डिनोट किया जाता है और इसका ऐसा यूनिट है किलोग्राम टाइम को टी के साथ डिनोट किया जाता है और इसका ऐसा यूनिट है सेकेंड टेम्परेचर को टी के साथ डिनोट किया जाता है और इसका ऐसा यूनिट है कैलवन इलेक्ट्रिक करंट को आई के साथ डिनोट किया जाता है और इसका यूनिट है अम्पेयर इसी तरह ड्राइव क्वानटीज़ हमारे पास बेशुमार हैं लाइक like वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब के साथ डिनोट करते हैं डेंसिटी को रो के साथ डिनोट करते हैं और इसका यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब वलॉसटी को वी के साथ डिनोट किया जाता है और इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड फोर्स को एफ के साथ और इसका यूनिट है न्यूटन एक्सेलरेशन को ए के साथ डिनोट किया जाता है और इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्केयर स्टूडेंट इसके बाद देखते हैं कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं प्रीफिक्सेस ऐसे वर्ड्स या लेटर होते हैं जिनको ऐसा यूनिट से पहले लिखा जाता है लाइक किलो मेगा एंड गीगा किलो जो है वो टेन की पावर थ्री होती है इसी तरह जो मेगा है वो टेन की पावर सिक्स होती है और गीगा टेन की पावर नाइन होती है इसी तरह मिली जो है वो टेन की पावर माइनस थ्री होती है तो स्टूडेंट्स हम डिफरेंट प्रीफिक्सेस को नमेरिकल्स में यूटिलाइज करते हैं ताकि हम उनको ऐसे यूनिट के साथ भी लिख सकें और ये प्रिफिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं इसी तरह अग, अगला टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशन स्टूडेंट फ़िज़िक्स में हम डिफरेंट नमेरिकल्स करते हैं तो आइदर इन फ़िज़िक्स और इन मैथ्स हमें बहुत सी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं और उसमें हमारे पास या तो क्वांटिटीज बहुत छोटी भी हो सकती हैं बड़ी भी हो सकती हैं नॉर्मल भी हो सकती हैं अगर हमारे पास एक बहुत बड़ी क्वांटिटी हो तो उसको हम मोर एक्यूरेट फॉर्म में लेना चाहते हैं तो इट्स मीन वी शुड हैव टू राइट इट इन सम पावर ऑफ टेन लाइक यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि सिक्सटी फाइव के साथ सिक्स ज़ीरोज हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख देंगे ठीक है लेकिन अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें चाहिए कि एक एक्यूरेट वैल्यू हमें फ़ौरन से अगर हम लिखना चाहते हैं तो इट्स मीन के वी शुड हैव टू राइट इन इन साइंटिफिक नोटेशन हम इस पॉइंट को सेवन डिजिट्स को क्रॉस करके सिक्स के आगे लगाएंगे तो ये टेन की पावर सेवन बन जाएगा तो इस तरह ये जो सिक्सटी फाइव और आगे सिक्स ज़ीरोज़ हैं ये इसको अगर हम मोर प्रिसाइज या मोर एक्यूरेट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम इसे टेन की पावर में लिख देंगे Uh, thank you so much students for listening me if you like my video then kindly do subscribe my channel that is uh, quick learn academy by arusa iram and thank you so much